हेलो एवरीवन, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट्स पे ऑलरेडी मैं 3 वीडियोस बना चुका हूँ। आप मेरे प्रीवियस वीडियोस चेक कर सकते हैं। पहले 2 वीडियोस में मैंने आपको मैथमेटिक्स के बारे में पूरा डिटेल बताया था, कौन सा सेट काउंटेबल है, कौन सा अनकाउंटेबल है, विद प्रॉपर प्रूफ दिया था मैंने आप लोगों को। रियल नंबर अनकाउंटेबली इनफाइनाइट है, नेचुरल नंबर काउंटेबली इनफाइनाइट है, इंटीजर्स का सेट काउंटेबली इनफाइनाइट है, इरेशनल नंबर्स अनकाउंटेबली इनफाइनाइट है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट अनकाउंटेबल इनफाइनाइट है, एंड सो मैंने सब कुछ आपको डिटेल बताया था। अच्छा जी, और पार्ट 3 में मैंने आपके साथ टीओसी के बारे में डिस्कस किया था, है ना। तो मतलब मैथमेटिक्स और टीओसी की प्रॉपर लिंकिंग दिखाई थी और क्लियरली एक्सप्लेन किया था आपको कि सेट ऑफ ऑल आरई लैंग्वेजेस इज countable infinite, है ना, सेट ऑफ ऑल नॉन आरई लैंग्वेजेस इज अनकाउंटेबली इनफाइनाइट एंड सो ऑन। ठीक है, आपको सब याद आ रहा होगा, मैंने पूरा डिटेल बताया था आपको। अच्छा, अब मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, मैं इन क्वेश्चंस का आपके सामने आंसर करूंगा। टोटल 9 क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस का हम आंसर्स करेंगे। मेरी सजेशन तो है एक बार आप वीडियो को पॉज करके अपने आप से इन क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश करो, फिर मेरा आप आंसर देखना, ठीक है। और उसके बाद फिर जो कुछ पॉइंट्स बच गए थे, है ना, लिंकिंग में जब हम टीओसी और मैथमेटिक्स से लिंकिंग कर रहे थे तो कुछ पॉइंट्स बच गए थे, उन पॉइंट्स को मैं इस लेक्चर में कवर अप करा दूंगा। ठीक है, ओके जी। तो ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा, दैट इज पार्ट 4 फॉर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट्स। ठीक है, तो ये पार्ट 4, दिस इज अवर लास्ट लेक्चर। ठीक है जी, तो अब देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या है, इन डैश इज यूज टू कन्वर्ट आरई लैंग्वेज टू वन बाइनरी स्ट्रिंग। बताओ भाई, पूरी की पूरी एक आरई लैंग्वेज है, ऑब्वियसली बहुत बड़ी लैंग्वेज होगी, शायद वो इनफाइनाइट भी हो सकती है, उसको मैं एक बाइनरी स्ट्रिंग से कैसे रिप्रेजेंट करा सकता हूँ, किस तरीके से मैं रिप्रेजेंट कराऊंगा। आपको लगेगा इम्पॉसिबल टास्क है, बट नहीं, हम लोग कराते थे। और किस चीज की हेल्प से कराते थे, बाइनरी एनकोडिंग की हेल्प से कराते थे। ठीक है, तो बाइनरी एनकोडिंग क्या थी भाई, बाइनरी एनकोडिंग क्या थी, हम हर एक ट्यूरिंग मशीन को एक यूनिक बाइनरी नंबर दे सकते थे। ट्यूरिंग मशीन क्या होती है भाई, ट्यूरिंग मशीन इज यूज टू एक्सेप्ट आरई लैंग्वेजेस, है ना। तो हर एक आरई लैंग्वेज के कोरस्पॉन्डिंग एक एक ट्यूरिंग मशीन, आपको याद आ रहा होगा, है ना। थोड़ा और अच्छा बोले तो एक एक आरई लैंग्वेज के लिए मैं इनफाइनाइट ट्यूरिंग मशीन बना सकता हूँ, मेरे को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डायरेक्टली डायरेक्टली मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई ट्यूरिंग मशीन है तो वो कोई ना कोई आरई लैंग्वेज को एक्सेप्ट कराती होगी, इतनी बात आपको समझ आती है। ठीक है जी, अच्छा, तो अब क्योंकि हर एक ट्यूरिंग मशीन एक एक आरई लैंग्वेज को एक्सेप्ट कराती है और हर एक ट्यूरिंग मशीन को मैं एक यूनिक बाइनरी नंबर दे सकता हूं, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरे पास जो एक आरी लैंग्वेज थी ना, बहुत बड़ी आरी लैंग्वेज थी, देखो उसको पिक्टोरियली समझो। ठीक है, तो जैसे सपोज कर लो ये एक आरी लैंग्वेज है मेरे पास और ये इनफाइनाइट लैंग्वेज है। ठीक है, आरी लैंग्वेज कैन बी फाइनाइट ऑल्सो, एंड अ फाइनाइट आरई लैंग्वेज इज नोन एज रेगुलर लैंग्वेज। प्लीज ये बात ध्यान रखना भाई, इन सब चीजों में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि आरी लैंग्वेज फाइनाइट होती है या इनफाइनाइट होती है, इट कैन बी फाइनाइट ऑल्सो एंड इट कैन बी इनफाइनाइट ऑल्सो। फाइनाइट कब होगी, जब वो आरी लैंग्वेज रेगुलर होगी। ठीक है, ओके जी, तो अपने आप से मत सोचते रहना कि आरी का मतलब नॉन रेगुलर, नहीं भाई, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, वो आपको देखना पड़ेगा कैसी क्या है और क्या नहीं, मतलब प्रॉपर आपको बोलना पड़ेगा आरी लैंग्वेज कैन बी फाइनाइट ऑल्सो एंड इनफाइनाइट ऑल्सो। तो आरी लैंग्वेज विल बी फाइनाइट व्हेन व्हेन आरी लैंग्वेज इज रेगुलर, तो व्हेन आरी लैंग्वेज इज रेगुलर देन लैंग्वेज विल बी फाइनाइट, एंड व्हेन आरी लैंग्वेज इज नॉन रेगुलर देन इट विल बी इनफाइनाइट। ऑब्वियसली बात है, आई थिंक पता होगा, मैंने बहुत बार आपको पहले बता रखा है। ठीक है जी, तो मैं कंसिडर करता हूँ एक आरी लैंग्वेज जो कि इनफाइनाइट है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे स्ट्रिंग्स होंगे। ठीक है, तो अब ये किसी ना किसी ट्यूरिंग मशीन से एक्सेप्ट होती होगी, है ना, किसी ना किसी ट्यूरिंग मशीन से एक्सेप्ट होती होगी, और जिस भी ट्यूरिंग मशीन से एक्सेप्ट होती होगी, तो आपको पता भी हर एक ट्यूरिंग मशीन को मैं एक बाइनरी नंबर दे सकता हूँ, दैट इज नोन एज बाइनरी एनकोडिंग। नहीं पता तो मेरा प्रीवियस लेक्चर देखो, मैंने वहां सारा एक्सप्लेन कर रखा है। तो सपोज कर लो मैंने कोई भी बाइनरी नंबर दे दिया ऐसे करके कुछ भी, तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये जो इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स थे, जो बाइनरी स्ट्रिंग्स थे, उसको मैंने एक सिंगल स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। यही तो ब्यूटी है ना बाइनरी एनकोडिंग की, इस बात को समझो आराम से। ठीक है, तो अब आप पढ़ो इस क्वेश्चन को, अब आपको समझ में आएगा। डैश इज यूज्ड टू कन्वर्ट एन आरई लैंग्वेज टू वन बाइनरी स्ट्रिंग, तो एक बाइनरी स्ट्रिंग में कौन कन्वर्ट करता है भाई, बाइनरी एनकोडिंग। अच्छा, नेक्स्ट देखो भाई, डैश इज यूज्ड टू कन्वर्ट एंटायर सेट ऑफ आरई लैंग्वेजेस टू अ सिंगल लैंग्वेज, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को समझो आराम से। डैश इज यूज टू कन्वर्ट एंटायर सेट ऑफ आरी लैंग्वेजेस टू अ सिंगल लैंग्वेज, एक बहुत बड़ा सेट है, दुनिया में जितनी भी आरी लैंग्वेजेस होती होंगी, जितनी भी आरी लैंग्वेजेस होती होंगी, उसका मैंने एक सेट बना दिया। ठीक है, तो इस सेट में हर एक एक एलिमेंट एक एक इनफाइनाइट लैंग्वेज है, या वो फाइनाइट भी हो सकता है। ठीक है, तो वही बात है, आप समझ पा रहे हो गया ना, तो एक इनफाइनाइट सेट है मेरे पास, इस इनफाइनाइट सेट में हर एक एक एलिमेंट एक इनफाइनाइट सेट है या फाइनाइट सेट है। अगर वो फाइनाइट सेट है वो रेगुलर है, और अगर इनफाइनाइट सेट है तो वो रेगुलर भी हो सकता है और नॉन रेगुलर भी हो सकता है ना, तो कुछ भी हो सकता है, वो आपको पता है। तो मेन बात क्या है, सेट ऑफ ऑल आर लैंग्वेजेस मैंने बोला, प्लीज इस बात को समझो आराम से। हाँ जी, तो ये एक सेट है, इस सेट को मैं एक सिंगल इनफाइनाइट सेट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, सिंगल इनफाइनाइट सेट ऑफ बाइनरी, मतलब बाइनरी बाइनरी स्ट्रिंग्स, है ना। तो मतलब एक ऐसे इनफाइनाइट सेट में मैंने कन्वर्ट कर दिया है जिसमें हर एक एलिमेंट एक एक बाइनरी स्ट्रिंग है।
ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। तो ऐसे मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, तो ये काम किसने किया अभी, ये भी आप समझ पा रहे होंगे, बिल्कुल ठीक आपने सोचा, बाइनरी एनकोडिंग नहीं किया है, क्योंकि हर एक एक इनफाइनाइट सेट के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी आपने ये इनफाइनाइट सेट यहाँ पे लिखा है, इसको एक्सेप्ट करने के लिए हमारे पास ट्यूरिंग मशीन जरूर बैठी होगी। क्यों? क्योंकि वो एक आरी लैंग्वेज है ना, तो आरी लैंग्वेज है, तो एक ट्यूरिंग मशीन जरूर बैठी होगी उसको एक्सेप्ट करने के लिए, और हर एक ट्यूरिंग मशीन के लिए एक बाइनरी, एक यूनिक बाइनरी नंबर हम दे सकते हैं, दैट इज नोन एज बाइनरी एनकोडिंग ऑफ ट्यूरिंग मशीन। तो घुमा फिरा करके उस सेट को मैंने एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, एंड सो ऑन। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, दोनों बातें लगभग इक्विवेलेंट है, जो ऊपर बोला और मैं जो नीचे बोल रहा हूँ, दोनों लगभग बात एक जैसी है। तो आंसर विल बी व्हाट, बाइनरी एनकोडिंग, बस थोड़ा सा अलग वे है दिखाने का और कुछ नहीं। प्लीज इसको नोट कर लेना, और मैं यहाँ पे अब लिख देता हूँ, कॉमा डाल देता हूँ, ठीक है। तो यही आंसर आएगा, बाइनरी एनकोडिंग यूज टू कन्वर्ट एंटायर सेट ऑफ आरी लैंग्वेजेस टू अ सिंगल लैंग्वेज। ये बड़ा ब्यूटीफुल पॉइंट है, बहुत बेसिक सा पॉइंट है, इसको अच्छे से माइंड में फिट करके रख लेना आप लोग, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, सेट ऑफ ऑल सिंटैक्टिकली करेक्ट सी प्रोग्राम इज काउंटेबली इनफाइनाइट और अनकाउंटेबली इनफाइनाइट। क्या होगा भाई, थोड़ा सा सोचो आराम से, जो भी सिंटैक्टिकली करेक्ट सी प्रोग्राम्स हमने लिखे हैं वो काउंटेबली इनफाइनाइट है या अनकाउंटेबली इनफाइनाइट है। देखो, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आता है ना, जो आपको कंफ्यूजन में डाल रहा है काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है एंड सो ऑन, तो आप सोचा करो उसकी बाइनरी एनकोडिंग हो सकता है या नहीं। जिसकी भी बाइनरी एनकोडिंग हो जाएगी वो काउंटेबली इनफाइनाइट निकल आएगा, ठीक है। तो कैसे, देखो अब आराम से समझो, आपने कोई भी सी प्रोग्राम लिखा, ठीक है, आपने कोई भी सी का प्रोग्राम लिखा, तो अब उसके कॉरस्पॉन्डिंग कंपाइलर क्या करेगा भाई, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। रफली मैं बोल रहा हूँ ना, एक्चुअली तो कंपाइलर असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, फिर असेंबलर आएगा उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा एंड सो। रफली आप समझ लो बाइनरी एनकोडिंग होगी, मतलब बाइनरी में कन्वर्ट होगी, सिंपल बात इतनी मैं करता हूँ। सी लैंग्वेज का प्रोग्राम था, हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक यूनिक बाइनरी नंबर दे सकते हैं, इस बात को समझो आराम से, जो भी नंबर आप देना चाहेंगे, है ना। तो वो कैसे आ रहा होगा, वो कंपाइलर के थ्रू आ रहा होगा, जब हमने प्रोग्राम को कंपाइल कर दिया तो हमारे पास एक बाइनरी नंबर आ चुका है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमने बाइनरी एनकोडिंग कर दी हर एक एक सी के प्रोग्राम की। तो इसका मतलब क्या होगा, जितने भी सी के प्रोग्राम होंगे करेक्ट, ठीक है, आपने सिंटेक्टिकली करेक्ट बोला है तो उससे खास फर्क नहीं पड़ता सिंटेक्टिकली करेक्ट हो या इनकरेक्ट हो, मेन बात क्या है आप प्रोग्राम को एक बाइनरी नंबर दे सकते हो, बस इतनी बात करो, ठीक है। तो चलो अभी सिंटेक्टिकली करेक्ट है तो मैं इसलिए ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, सिंटेक्टिकली करेक्ट। तो जो भी सी के सिंटेक्टिकली करेक्ट प्रोग्राम्स हैं, है ना, हर एक एक प्रोग्राम को आप एक एक यूनिक बाइनरी नंबर दे पा रहे हो, तो आप लैंग्वेज बोलो ना, इस लैंग्वेज में सारे सारे कुछ कुछ बाइनरी स्ट्रिंग्स है हमारे पास, है ना। और ऑब्वियसली ये जो लैंग्वेज आपने लिखी है, दिस लैंग्वेज विल बी इनफाइनाइट। क्यों इनफाइनाइट, क्योंकि सी लैंग्वेज में जितने भी आप सिंटैक्टिकली करेक्ट प्रोग्राम बना सकते हो ऑब्वियसली वो इनफाइनाइट होंगे, कोई इस पे बाउंड तो है नहीं कि इतने प्रोग्राम बन सकते हैं, जितने चाहो आप उतने बना सकते हो, है ना। तो बस आप इस बात को समझो, और आपको पता है भाई हर एक लैंग्वेज ये बाइनरी जो भी आपने लिखी होगी, बाइनरी बाइनरी स्ट्रिंग्स है इस लैंग्वेज के अंदर, और आपको पता है हर एक लैंग्वेज किसकी सबसेट है, सिग्मा सार को, सिग्मा सार आपको पता है क्या होता है, काउंटेबल इनफाइनाइट। तो ये भी क्या निकलेगा, ऑब्वियसली काउंटेबल इनफाइनाइट। तो अच्छे से बोले तो सिग्मा स्टार इज काउंटेबल इनफाइनाइट, तो एल ईच एंड एवरी एल विच इज सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार दैट विल बी काउंटेबल, है ना। तो काउंटेबल मतलब काउंटेबल इनफाइनाइट हो सकता है, काउंटेबल फाइनाइट भी हो सकती है, बट ये काउंटेबल इनफाइनाइट निकलेगी क्योंकि सी के प्रोग्राम हम जितने बना सकते हैं दैट इज ऑब्वियसली इनफाइनाइट, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो दैट विल बी काउंटेबली इनफाइनाइट, हाँ जी। तो अब आप ये बात करो सिंटेक्टिकली करेक्ट की मैंने कहानी करी है, अरे भाई सिंटेक्टिकली इनकरेक्ट आएगा तो क्या टेंशन है, उनको एक बाइक बाइनरी नंबर तो आप दे ही सकते हो, बात समझ रहे हो कि नहीं, सिंपल बात है इतनी। तो बस हमारी बात वहीं खत्म है ना। तो आई थिंक इसमें मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। अब आपको लगेगा कि सर जो सिंटेक्टिकली करेक्ट होंगे उसी को एक कंपाइलर कन्वर्ट करेगा तो उसी का बाइनरी नंबर बनेगा, जो इनकरेक्ट होंगे उनका कैसे बाइनरी नंबर बनेगा, अरे भाई इमेजिन कर लो क्या दिक्कत है, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे भी सिंटेक्स एरर आ रखा है उस वाले पार्ट को आप उसका भी एक किस्म से आप बाइनरी कर लो, जितना पार्ट करेक्ट है उसका तो कंपाइलर बाइनरी कर सकता है, रफली मैं बोल रहा हूँ सिर्फ आपको इमेजिन कराने के लिए और कुछ नहीं, ठीक है। जो इनकरेक्ट पार्ट है ठीक है ना, सेमी कोलन को आप नंबर दे दो, सेमी कोलन को आप नंबर दे दो से ये इसका नंबर हमने जीरो दे दिया, इफ स्टेटमेंट थी तो आपने इसको से 10 दे दिया एंड सो ऑन, कुछ भी करो, मेन बात क्या है मैं आपको सिंपली इमेजिन कराना चाहता हूँ आप उसको बाइनरी नंबर दे सकते हो। मतलब हर एक सी का प्रोग्राम चाहे वो करेक्ट हो चाहे वो इनकरेक्ट हो, हर एक सी के प्रोग्राम को आप एक यूनिक बाइनरी नंबर दे सकते हो, तो बस बाइनरी एनकोडिंग हो पा रही है ना, बस वही बात खत्म, दैट विल बी काउंटेबल इनफाइनाइट, ठीक है। तो मैंने आपको एक बहुत क्रक्स, जो मेन क्रक्स था वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, हाँ जी। तो चलो मैं इसको वापस से बड़ा कर लेता हूँ, है ना, और अपने पॉइंट पे आते हैं वापस से, हाँ जी। तो क्या बोला था आपने, सिंटैक्टिकली करेक्ट सी प्रोग्राम इज काउंटेबल इनफाइनाइट और अनकाउंटेबल इनफाइनाइट, ऑब्वियसली इट इज काउंटेबल इनफाइनाइट। उसके बाद सेट ऑफ ऑल सिंटैक्टिकली इनकरेक्ट सी प्रोग्राम मैंने अभी आपको समझा दिया काउंटेबल इनफाइनाइट। अच्छा आगे क्या कह रहे हैं, सेट ऑफ ऑल सी प्रोग्राम्स इज काउंटेबल इनफाइनाइट और अनकाउंटेबल इनफाइनाइट, ऑल सी प्रोग्राम चाहे वो करेक्ट हो चाहे वो इनकरेक्ट हो, बताओ भाई क्या होगा, काउंटेबल इनफाइनाइट आएगा अनकाउंटेबल इनफाइनाइट आएगा, मैं चाहता हूं आपसे आंसर है, ऑब्वियसली बात है मैं अभी आपको बताया दैट विल बी काउंटेबल इनफाइनाइट। अगर आपको जरा सा भी डाउट है ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखो भाई प्रोग्राम कैन बी इधर करेक्ट और इनकरेक्ट, करेक्ट होगा तो भी काउंटेबल इनफाइनाइट होगा और इनकरेक्ट होगा तो भी काउंटेबल
भी इनफाइनाइट होगा, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम इन दोनों सेट्स का यूनियन करना चाहते हैं, तो ये हो गए जी सिंटैक्टिकली करेक्ट प्रॉब्लम्स, ये हो गए जी सिंटैक्टिकली इनकरेक्ट प्रॉब्लम। इन दोनों को यूनियन कर दोगे तो ऑल प्रॉब्लम्स आ जाएंगे सी में, है ना। तो ऑब्वियसली दो काउंटेबली इनफाइनाइट सेट्स हैं, आपने उनको यूनियन करवाया तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या आएगा भी काउंटेबली इनफाइनाइट। और आपको एक ब्यूटीफुल बात मैंने आपको पहले भी बता रखी है, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट्स का काउंटेबली इनफाइनाइट यूनियन कर लोगे तो भी काउंटेबली इनफाइनाइट सेट आता था, ठीक है। तो काउंटेबली इनफाइनाइट यूनियन कर सकते हो आप, इनफाइनाइट टाइम्स यूनियन कर सकते हो, है ना, तो भी काउंटेबल इनफाइनाइट आता है। तो मैं तो सिर्फ दो ही बार यूनियन किया है, तो ऑब्वियसली बात आप समझ पा रहे होंगे दैट विल बी काउंटेबल इनफाइनाइट, ठीक है जी। तो आई थिंक क्लियर होगा सब लोगों को, ओके जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है बे, है ना। तो कैन ए मशीन लिस्ट ऑल डिसाइडेबल प्रॉब्लम्स, देखो जितने भी डिसाइडेबल प्रॉब्लम्स हैं तो वो क्या होंगी भाई, उनके कॉरस्पॉन्डिंग, देखो प्रॉब्लम डिसाइडेबल कब होती है, प्रॉब्लम डिसाइडेबल तब होती है जब उसके कॉरस्पॉन्डिंग लैंग्वेज रिकर्सिव हो, ये बात मैं आपको बहुत बार पहले बता चुका हूँ। और रिकर्सिव सेट ऑफ ऑल रिकर्सिव लैंग्वेजेस That will be equivalent to set of all decidable problems. अब set of all recursive languages क्या होगी? Countably infinite के uncountably infinite. Obviously countably infinite क्यों? क्योंकि set of all RE languages is countably infinite. ये मैं आपको पहले प्रूव कर चुका हूँ। तो obviously set of all RE languages अगर countably infinite है, तो उसका एक proper subset है set of all REC languages. तो set of all REC languages भी countably infinite आएगा। तो ठीक है जी, अगर set of all REC languages countably infinite आ रहा है, तो obviously set of all decidable problems भी countably infinite आएगा। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, नहीं समझ में आया मैंने तो ओरली समझाया, मैं फिर भी आपको अगर आपको चाहिए डिटेल तो मैं दे देता हूँ। देखो भाई, तो प्रॉब्लम डिसाइडेबल कब होती है, प्रॉब्लम डिसाइडेबल कब होती है, ये चीजें टेंशन मत लेना, ये सब चीजें मैं आपको डिटेल आगे समझाऊंगा, पूरी डिटेल बताऊंगा प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम और लैंग्वेज में क्या रिलेशन है एंड सो ऑन, वो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे आराम आराम से। बट अभी मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया कि डिसाइडेबल प्रॉब्लम कब होती है भाई, जब उसके कॉरस्पॉन्डिंग लैंग्वेज, उसके कॉरस्पॉन्डिंग लैंग्वेज REC हो, रिकर्सिव हो, ठीक है। और सेमी डिसाइडेबल कब होती है, जब लैंग्वेज RE हो, और अनडिसाइडेबल क्या होती है भाई, जब लैंग्वेज नॉन RE हो एंड सो ऑन, इसलिए मैं आपको बहुत बार पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है जी। तो डिसाइडेबल प्रॉब्लम मतलब लैंग्वेज कॉरस्पॉन्डिंग टू इट्स REC, ठीक है, हाँ जी। तो अब डायरेक्टली इनडायरेक्टली अब मैं क्या करना चाहता हूँ, सेट ऑफ ऑल डिसाइडेबल प्रॉब्लम्स, सेट ऑफ ऑल डिसाइडेबल प्रॉब्लम दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, सेट ऑफ ऑल REC लैंग्वेजेस, सेट ऑफ ऑल REC लैंग्वेजेस, ठीक है, हाँ जी। तो अब घुमा फिरा करके बात क्या आई कि क्या सेट ऑफ ऑल REC लैंग्वेजेस कैसा होगा, है ना। तो सीधी सी बात है भाई, REC का सेट आपको याद आ रहा होगा, दैट विल बी प्रॉपर सबसेट ऑफ RE। अब आपको पता है कि RE का सेट काउंटेबली इनफाइनाइट है, कैसे होता है ये सब मैं आपको ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूँ, मेरे से बार बार एक्सपेक्ट मत करो कि मैं बोलूंगा। तो ऑब्वियसली बात है, जब RE का सेट काउंटेबली इनफाइनाइट है और REC का सबसेट है, तो REC का सेट भी तो काउंटेबली इनफाइनाइट निकलेगा, कॉमन सेंस की बात है कि नहीं, ये सब अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको समझाया है, ठीक है जी। तो सेट ऑफ ऑल REC लैंग्वेजेस इज काउंटेबली इनफाइनाइट, क्योंकि सेट ऑफ ऑल REC लैंग्वेजेस काउंटेबली इनफाइनाइट है, तो सेट ऑफ ऑल डिसाइडेबल प्रॉब्लम्स भी क्या होंगी, काउंटेबली इनफाइनाइट होंगी, ठीक है। तो मैंने प्रॉपर आपको प्रूफ भी दे दिया अब यहाँ पे, ठीक है जी। चलो इसको नोट डाउन कर लेना आप लोग, ठीक है जी। तो हमने इसका आंसर भी कर लिया, काउंटेबली इनफाइनाइट आएगा, सेट ऑफ ऑल डिसाइडेबल प्रॉब्लम विल बी काउंटेबली इनफाइनाइट। अच्छा आगे क्या कह रहे हैं, गिवन कैन ए मशीन लिस्ट ऑल अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम्स, अच्छा इसने तो लिस्ट वाली बात पूछी थी ना, तो सॉरी फॉर दैट, आप आई थिंक गैस कर गए होंगे, क्योंकि काउंटेबली इनफिनिट आया है, काउंटेबली इनफिनिट आया तो मतलब इन्यूमरेशन प्रोसीजर आएगा, इन्यूमरेशन प्रोसीजर आएगा मतलब लिस्टिंग करने का कोई ना कोई तरीका आएगा, लिस्टिंग करने का कोई ना कोई तरीका आएगा, तो मतलब कोई ना कोई मशीन जरूर बैठी होगी जिसको लिस्ट डाउन कर सकेगी। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, चार्ज ट्यूरिंग थीसिस ने यही आपको समझाया था, है ना। तो अगर कोई भी हमारे पास मतलब पावर ऑफ लॉजिक एंड पावर ऑफ ट्यूरिंग मशीन इज इक्विवेलेंट, ठीक है, तो मतलब लॉजिक से जो चीज सॉल्व हो पा रही है वो ट्यूरिंग मशीन से जरूर सॉल्व हो पाएगी। तो सीधी सी बात है, हम और अच्छा बोलेंगे तो हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन एग्जिस्ट करती होगी तो ये सारा सारा काम करके दे देगी आपको, ठीक है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कैन ए मशीन लिस्ट ऑल डिसाइडेबल प्रॉब्लम, यस वी कैन हैव अ मशीन विच कैन लिस्ट ऑल द डिसाइडेबल प्रॉब्लम्स, और उसके लिए हमारे पास एक हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन बैठी होगी जो ये सारा सारा काम करके दे देगी, मतलब सारी सारी डिसाइडेबल प्रॉब्लम की लिस्ट करके दे देगी आप लोग को, है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, क्लियर हो गया होगा एकदम सब लोगों को, है ना, हाँ जी, ठीक है जी। तो क्यों क्यों वैसे क्यों क्यों कर पाएगी हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन ये काम, क्योंकि इन्यूमरेशन प्रोसीजर एग्जिस्ट करेगा, काउंटेबल एवरी काउंटेबल सेट हैज इन्यूमरेशन प्रोसीजर, और ये इन्यूमरेशन प्रोसीजर हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन पे रन हो पाएगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास REC लैंग्वेज की कहानी आ रही है, ठीक है। प्लीज ये सब चीजें मैंने आपको बहुत बार समझाई है ना, प्लीज आप मेरे जो प्रीवियस 3 वीडियोस है ना काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट्स के वो देखो, उसमें मैंने बहुत डिटेल में ये सब चीजें समझाई थी, मैं यहाँ पे बार बार बोलूंगा तो टाइम बर्बाद होगा कुछ नहीं, ठीक है जी। तो मेन बात क्या है, इन्यूमरेशन प्रोसीजर आएगा और ये हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन चला पाएगी, क्यों चला पाएगी, प्रीवियस वीडियोस में मैंने पूरा डिटेल बता रखा है, मैं यहाँ पे बार बार चीजें रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है जी, आगे बढ़ो भाई, हाँ जी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है भाई, कैन ए मशीन लिस्ट ऑल अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम्स, सेट ऑफ ऑल अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम्स क्या होगा भाई, देखो सीधी सी बात है, सेमी डिसाइडेबल क्या है भाई, RE languages का सेट, है ना। तो और मैंने आपको बताया था काफी सारी बुक्स सेमी डिसाइडेबल बोलती नहीं है, सेमी डिसाइडेबल की बजाय वो एक ही बात बोल के भाग जाती हैं,
क्या अनडिसाइडेबल है ना। तो अनडिसाइडेबल कहने का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, अनडिसाइडेबल कहने का मतलब लैंग्वेज कॉरेस्पॉन्डिंग ब्रिटिश आरी और नॉन आरी, ठीक है। तो सेट ऑफ ऑल अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम्स दैट विल बी सेट ऑफ ऑल आरी एज वेल एज नॉन आरी लैंग्वेजेस, ठीक है। थोड़ा सा बोले तो आरी एंड नॉट आरी सी, आरी एंड नॉट आरी सी है ना। तो आरी एंड नॉट आरी सी वो अनडिसाइडेबल होती है और नॉन आरी भी अनडिसाइडेबल होती है। और कुछ बुक्स कहती हैं कि आरी एंड नॉट आरी सी अगर लैंग्वेज है किसी प्रॉब्लम के कॉरेस्पॉन्डिंग लैंग्वेज हमारी आरी एंड नॉट आरी सी आ रही है तो हम उसको बोलते हैं सेमी डिसाइडेबल, बट कोई बुक्स कह रही है कि अनडिसाइडेबल, तो रफली हम अनडिसाइडेबल ही मान के चलते हैं है ना, क्योंकि मेजोरिटी बुक्स अनडिसाइडेबल की तरफ ही जा रही हैं। सेमी डिसाइडेबल वाली बात बहुत कम आई है, प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखोगे गेट के उसमें उसमें बहुत कम बार सेमी डिसाइडेबल वर्ड आया है, अनडिसाइडेबल ज्यादातर अनडिसाइडेबल ही चलता रहा है। तो अब रफली अनडिसाइडेबल मान के चलते हैं, बट एग्जैक्ट बात तो ये है सेमी डिसाइडेबल। सेमी डिसाइडेबल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आधे पार्ट डिसाइडेबल है, मतलब यस तो आता है, नो में हम लोग अटक जाते हैं ना, यस तो आ रहा है तो इसको सेमी डिसाइडेबल बोलना ज्यादा फायदेमंद है। बट वही बात है कई बुक्स नहीं मानती, कोई बुक्स कहती है कि डिसाइडेबल का मतलब पूरा यस और नो आना चाहिए और अनडिसाइडेबल का मतलब चाहे आधा आ रहा है या कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो आधा आ रहा है मतलब यस आ रहा है, तो मतलब आरी एंड नॉट आरी सी वो भी अनडिसाइडेबल पार्ट में जाती है और नॉन आरी भी अनडिसाइडेबल में जाती है, ठीक है जी। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अब हम ये कहेंगे कि सेट ऑफ ऑल अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम विल बी व्हाट, सेट ऑफ ऑल नॉन आरी एज वेल एज आरी एंड नॉट आरी सी। तो आरी एंड नॉट आरी सी तो आपको पता भी काउंटेबली इनफाइनाइट होंगी है ना, और नॉन आरी आपको पता है अनकाउंटेबली इनफाइनाइट होती है, और अनकाउंटेबली इनफाइनाइट सेट यूनियन काउंटेबली इनफाइनाइट सेट दैट विल बी ऑब्वियसली अनकाउंटेबली इनफाइनाइट सेट है ना। तो अनकाउंटेबली इनफाइनाइट सेट यूनियन काउंटेबली इनफाइनाइट सेट दैट विल बी अनकाउंटेबली इनफाइनाइट सेट, ये आपको पता लगता है ना। तो बस सीधी सी बात है, तो सेट ऑफ ऑल अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम विल बी अनकाउंटेबल इनफिनिट। अब क्योंकि वो अनकाउंटेबल इनफिनिट आ रही है तो उसके लिए कोई इन्यूमरेशन प्रोसीजर एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब हम ऐसी कोई भी मशीन नहीं बना सकते जो कि इन सारी अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम को लिस्ट डाउन कर सके, कोई मशीन नहीं होगी हमारे पास। आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बोला, आप क्लियर हो गया होगा एकदम सब लोगों को है ना। तो सेट ऑफ ऑल अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम विल बी व्हाट, सेट ऑफ ऑल आरी एंड नॉट आरीसी एज वेल एज नॉन आरी लैंग्वेज। तो दुनिया के सारी नॉन आरी लैंग्वेज को कंबाइन कर लो और आरी एंड नॉट आरीसी उन सबको भी बीच में ले लो एक सेट के अंदर, तो वही बात है दैट विल बी ऑब्वियसली अनकाउंटेबल इनफिनिट है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, याद आ रहा है ना आप लोगों को, ये आरी हो गया दैट विल बी काउंटेबल इनफाइनाइट, और ये हो गया जी 2 पावर सिग्मा स्टार दैट इज नॉन आरी। तो नॉन आरी मैंने क्या बताया था भाई, जस्ट लाइक वाटर है ये, जस्ट लाइक वाटर, ठीक है। और ये हमारा काउंटेबल इनफाइनाइट है ना, तो ये एप्पल्स की तरह है, आरी सेट इज टिल आरी एप्पल्स की तरह है और उसके बाद आगे वाटर की तरह है, तो ऑब्वियसली फिर नॉन आरी वाला ही अनकाउंटेबल इनफाइनाइट है, तो इन सबको हम जोड़ देंगे तो अनकाउंटेबल इनफाइनाइट आएगा। आप समझ पा रहे हो मेरे ख्याल से, मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। तो अनकाउंटेबल इनफाइनाइट यूनियन काउंटेबल इनफाइनाइट दैट विल बी ऑब्वियसली अनकाउंटेबल इनफाइनाइट सेट है ना। हाँ जी, तो फिर वही बात है, अगर अनकाउंटेबल इनफाइनाइट सेट आ रहा है तो सेट ऑफ ऑल अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम विल बी अनकाउंटेबल इनफाइनाइट, और अगर अनकाउंटेबल इनफाइनाइट आ रहा है तो उसके लिए कोई इनिमिनेशन प्रोसीजर एक्सिस्ट नहीं करेगा, ठीक है जी। चलिए ठीक है, मैंने काफी बार रिपीट कर दिया, आपको समझ आ गया होगा। थोड़ा बड़ा करते हैं और अपने पॉइंट पे आते हैं वापस। हाँ जी, तो फिर ये क्या आएगा भाई, अनकाउंटेबल इनफाइनाइट आएगा, तो अनकाउंटेबल इनफाइनाइट आएगा तो फिर हम ये काम नहीं कर पाएंगे, इस पे टिक लगा लेना भाई, ये काम हम कर पा रहे हैं ये काम हम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ऑल डिसाइडेबल प्रॉब्लम की लिस्टिंग करना दैट इज पॉसिबल, बट सेट ऑफ ऑल ऑल अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम्स की लिस्टिंग करना दैट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि वो अनकाउंटेबल इनफाइनाइट है, ठीक है जी। तो कोई इनिमिनेशन प्रोसीजर मिलना ही नहीं है भाई है ना, याद आ रहा होगा आपको, कैंटर थ्योरम याद करो, सब मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। चलो ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ ऑल रेगुलर लैंग्वेजेस काउंटेबल इनफाइनाइट और अनकाउंटेबल इनफाइनाइट। तो क्या आपने किया क्या भाई, सेट ऑफ ऑल रेगुलर लैंग्वेजेस पकड़ दी, सेट ऑफ ऑल रेगुलर लैंग्वेजेस आपने पकड़ दी, और आपने क्या कहा है, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ, ठीक है। तो जितनी भी दुनिया के रेगुलर लैंग्वेजेस हैं उनके आपने सबसेट बनाने की कोशिश की है, दैट विल बी व्हाट, काउंटेबल इनफाइनाइट और अनकाउंटेबल इनफाइनाइट। तो ऑब्वियस ही बात है, सेट ऑफ ऑल रेगुलर लैंग्वेजेस दैट विल बी व्हाट, काउंटेबल इनफाइनाइट। इतना तो आप लोगों को पता लगता है ना, मैंने सब एक्सप्लेन कर रखा है, क्यों, क्योंकि आरी सेट ऑफ ऑल आरी लैंग्वेजेस काउंटेबल इनफाइनाइट। अगर क्योंकि सेट ऑफ ऑल आरी लैंग्वेजेस काउंटेबल इनफाइनाइट, तो सेट ऑफ ऑल आरईसी लैंग्वेजेस काउंटेबल इनफाइनाइट, क्योंकि वो उसका सबसेट होगा, और उसका सबसेट सेट ऑफ ऑल सीएसएल होगा दैट इज बी आल्सो काउंटेबल इनफाइनाइट, और उसके उसके नीचे होगा सीएफएल का सेट दैट विल बी काउंटेबल इनफाइनाइट, उसके नीचे डीसीएफएल का सेट दैट इज आल्सो काउंटेबल इनफाइनाइट, और उसके नीचे हमारे पास रेगुलर का सेट दैट इज आल्सो काउंटेबल इनफाइनाइट, ये आपको पता लगता है, ठीक है जी। तो काउंटेबल इनफाइनाइट सेट है ना। हां जी, तो आपने क्या बोला, सेट ऑफ ऑल सबसेट, तो सेट ऑफ ऑल सबसेट मतलब क्या होगा, सेट ऑफ ऑल सबसेट मतलब 2 पावर काउंटेबल इनफाइनाइट सेट। तो काउंटर कैंटर थ्योरम से आपको समझ आ रहा होगा दैट विल बी अनकाउंटेबली इनफाइनाइट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा भाई, अनकाउंटेबली इनफाइनाइट। समझ आ रहा होगा, समझ में आ रहा है ना। और देखो क्वेश्चन तो ये बात बोली, सेट ऑफ ऑल रेगुलर लैंग्वेजेस है ना, तो इनफैक्ट ये ऑल अगर हटा भी दो तो एक रेगुलर लैंग्वेज में आपको दे दू और उसके बारे में पूछू तो भी आप आराम से आंसर कर पाओगे, मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है। तो देखो भाई एक बार इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। हाँ जी, तो मैं आप देखो अब आपसे पूछता हूँ एक ब्यूटीफुल क्वेश्चन पूछता हूँ। कंसिडर
एन इनफाइनाइट रेगुलर लैंग्वेज, कंसिडर एन इनफाइनाइट रेगुलर लैंग्वेज, एक रेगुलर लैंग्वेज है जो कि इनफाइनाइट है, ठीक है, कंसिडर एन इनफाइनाइट रेगुलर लैंग्वेज। और अब मैं आपसे पूछता हूँ, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ दैट लैंग्वेज विल बी व्हाट, ऑफ दैट रेगुलर लैंग्वेज, या कंसिडर अ रेगुलर लैंग्वेज एल, कंसिडर एन इनफाइनाइट रेगुलर लैंग्वेज एल, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एल, बताओ भाई, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एल बताओ क्या होगा, countable infinite and uncountable infinite, that will be uncountable infinite, why, क्योंकि infinite regular language है, तो that will be what, countable infinite, और आपको पता है भाई, two power countable infinite, Cantor theorem के according, that will be uncountable infinite, तो please ध्यान रखना, ये confusion मत हो जाना कि regular है तो and so on, तो ये दिक्कत हो जाएगी, बात है ना, तो कोई tension वाली बात नहीं है, infinite regular है भाई, तो countable infinite है, तो obviously two power countable infinite, that will be uncountable infinite, अच्छा जी, और अगर आपके पास simple ये question आता, set कंसिडर अ रेगुलर लैंग्वेज एल, तो उसने नहीं बताया कि फाइनाइट है या इनफाइनाइट, तो अगर वो फाइनाइट होती तो फिर तो भाई वो काउंटेबल आ जाता, ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है दैट विल बी अकाउंटेबल से अच्छा बोलेंगे तो काउंटेबल फाइनाइट आ जाएगा, प्लीज ये बात ध्यान रखना। तो अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं, देखो अब देखो, चलो मैं ऐसे पूछता हूं आपसे, कंसिडर अ फाइनाइट रेगुलर लैंग्वेज, कंसिडर अ फाइनाइट रेगुलर लैंग्वेज एल, ठीक है, तो अब आपसे मैं पूछता हूं, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एल That will be countably finite. Obvious ही बात है, countably finite आएगा वो, है ना, क्यों, क्योंकि common sense की बात है भाई, आपने finite regular language पकड़ी है, finite पकड़ा है तो two power finite आप कहना चाहते हो, जो भी finite set है तो two power finite set आप कहना चाह रहे हैं ना भाई, as two power finite will be obviously finite, तो finite होगा तो every finite set is regular, sorry every finite set is countable, तो ठीक है जी countably finite आएगा, है ना, थोड़ा अच्छा बोल, फाइनाइट बोल के भाग सकते थे हम लोग, फाइनाइट का मतलब ऑब्वियसली काउंटेबल ही होता है, ठीक है, तो थोड़ा और ब्यूटीफुल बोल दे मैंने, काउंटेबली फाइनाइट होगा। हाँ अब आई थिंक आप थर्ड क्वेश्चन अपने आप से गेस कर जाओगे, दो क्वेश्चन मैंने लिखे फटाफट से आप इनको नोट डाउन कर लो, ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन आई थिंक आप अपने आप से गेस कर जाओगे मैं क्या पूछूंगा, है ना, तो मैं आपको बोल दूंगा कि कंसिडर अ रेगुलर लैंग्वेज, कंसिडर अ रेगुलर लैंग्वेज एल, ठीक है, तो सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एल, सेट्स ऑफ ऑल सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एल, ये क्या होगा भाई, दैट कैन बी, अब मुझे नहीं पता वो रेगुलर लैंग्वेज है कैसी, तो दैट कैन बी इधर काउंटेबली फाइनाइट और अनकाउंटेबली इनफाइनाइट, ठीक है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाहता हूं कि काउंटेबली इनफाइनाइट नहीं आने वाला भाई, काउंटेबली इनफाइनाइट नहीं आने वाला, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एल, दो ही पॉसिबिलिटी बनेगी, या तो काउंटेबली फाइनाइट होगा या अनकाउंटेबली इनफाइनाइट होगा, बट काउंटेबली इनफाइनाइट वो नहीं हो सकता, ठीक है, तो इट कैन बी दिस ऑल्सो, इट कैन बी दिस ऑल्सो, बट काउंटेबली इनफाइनाइट ये कभी भी नहीं होगा, इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, बट आ सकता है, प्लीज इस पे तारे बना लो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं आपको हमेशा समझाता हूँ, जो भी मैं प्रेडिक्शंस करता हूँ आज नहीं तो कल वो आ जाती है गेट एग्जाम में, ठीक है, तो प्लीज ध्यान रखना इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है जी, अच्छा, और उसके बाद अब मैं आपसे एक ये पूछू तो, है ना, कि कंसिडर अ सी एफ एल, कंसिडर अ सी एफ एल विच इज नॉट रेगुलर, विच इज नॉट रेगुलर, ठीक है, तो फिर अब मैं आपसे पूछूं, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एल, ठीक है, कंसीडर अ सीएफएल एल, कंसीडर सीएफएल एल व्हिच इज नॉट रेगुलर, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एल, ऑब्वियसली अनकाउंटेबली इनफाइनाइट, मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, आप अपने आप से गेस कर पा रहे होंगे, क्योंकि वो सीएफएल है, सीएफएल है और रेगुलर नहीं है, रेगुलर नहीं है तो उसका मतलब वो फाइनाइट नहीं रही होगी, आपको पता होगा भाई जितने भी नॉन रेगुलर लैंग्वेज होते हैं वो सारी सारी इनफाइनाइट होती है, आपको पता है, तो ठीक है जी, अगर वो इनफाइनाइट है तो मतलब और कैसी इनफाइनाइट होगी, काउंटेबली इनफाइनाइट होगी, है ना, ये आपको पता है, काउंटेबली इनफाइनाइट होगी तो फिर टू पावर काउंटेबली इनफाइनाइट हम कहना चाह रहे हैं, कैंटर थ्योरम के अकॉर्डिंग दैट विल बी अनकाउंटेबली इनफाइनाइट, ठीक है जी, तो प्लीज बहुत ज्यादा ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चंस पे, आप देखो मैंने सीएफएल पे कर दिया, प्लीज आप अपने आप से आगे कर सकते हो, है ना, सीएसएल पे जा सकते हो, आरईसी पे जा सकते हो, आरई पे जा सकते हो, एंड सो ऑन, तो ऐसे क्वेश्चन में बना के दे सकता हूं, कंसीडर एन आरईसी लैंग्वेज व्हिच इज नॉट सीएसएल, तो ऑब्वियसली बात है नॉट सीएसएल है तो ऑब्वियसली बात है वो रेगुलर भी नहीं होगी, रेगुलर भी नहीं होगी तो पक्की बात है वो इनफाइनाइट होगी, और कैसे होगी, काउंटेबल इनफाइनाइट होगी, टू पावर काउंटेबल इनफाइनाइट करेंगे तो अनकाउंटेबल इनफाइनाइट आएगा, एंड सो ऑन, आई थिंक आप गेस करेंगे कि डॉट 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 मैं करके छोड़ रहा हूँ, प्लीज आप अपने आप ये सब आगे फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हो, तो सी एफ एल की बजाय आप सी एस एल बोल सकते हो, आर ई सी बोल सकते हो, आर ई बोल सकते हो, एंड सो ऑन, घुमा घुमा के पूछ सकते थे कि सी एस एल है ना, तो एक मैं ऐसे बोल देता हूँ, एल इज व्हाट, एल इज आर ई सी एंड नॉट सी एस एल, अब वो सी एस एल भी नहीं है तो पक्की बात है वो सी एफ एल भी नहीं है, है ना, और पक्की बात है वो रेगुलर भी नहीं है, तो इसका मतलब डायरेक्टली डायरेक्टली हम क्या कहना चाहते हैं, दैट इज काउंटेबली इनफाइनाइट बस, और टू पावर काउंटेबली इनफाइनाइट का मतलब क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबली इनफाइनाइट, ठीक है, तो इसका मतलब सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एल, ठीक है, तो सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एल दैट विल बी
अनकाउंटेबल इन्फिनिट, ठीक है जी। आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से मेरे को और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, फटाफट इसको नोट डाउन कर लो भाई आप लोग। हाँ भाई वापस अपनी बात पे। हाँ जी ठीक है जी। तो अब देखो भाई नेक्स्ट है ना, तो सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ आर रेगुलर लैंग्वेज, वही बात मैं अभी आपको एक्सप्लेन करके आ चुका हूँ। हाँ जी, तो सेट ऑफ ऑल रेगुलर लैंग्वेजेस ने कहा जाए तो ऑब्वियसली काउंटेबल इन्फिनिट होगा, तो सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ने कहा था तो दैट विल बी अनकाउंटेबल इन्फिनिट, ठीक है। तो वैसे मैंने आपको लिख के दिखा दिया, तो इसका आंसर क्या होगा भाई, अनकाउंटेबल इन्फिनिट, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेट ऑफ ऑल फाइनाइट लैंग्वेजेस इज काउंटेबली फाइनाइट और countable infinite और uncountable infinite, set of all finite languages, जितनी भी finite languages हैं दुनिया में उन सब का एक set बना दो, that will be obviously countably infinite, ठीक है। प्लीज इस बात को आराम से समझ लो, आपको आई थिंक अपने आप से समझ आ रहा होगा। आपको लगेगा कि सर फाइनाइट लैंग्वेज है तो वो फाइनाइट होंगी, नहीं भाई नहीं, मैं आपको बार बार समझाता हूँ। लिंकिंग क्या करो, नेचुरल नंबर के साथ लिंकिंग करो, हर एक नेचुरल नंबर फाइनाइट है लेकिन सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स तो इनफाइनाइट है ना, तो वही बात मैं यहाँ कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दुनिया में जितने भी फाइनाइट लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करती होंगी उन सबका अगर आपने एक सेट बनाने की कोशिश करी, दैट विल बी काउंटेबली इनफाइनाइट, है ना। काउंटेबली इनफाइनाइट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपको पता है भी रेगुलर का सबसेट होगा ये, है ना। ये आपको पता है कि नहीं पता, जब सेट ऑफ ऑल रेगुलर लैंग्वेजेस, ठीक है इतनी बात करूं तो मतलब अनकाउंटेबल इनफिनिट और काउंटेबल इनफिनिट में आपको कंफ्यूजन आना चाहिए, है ना। तो जैसे मैं बात करूं रेगुलर लैंग्वेजेस की, है ना, तो रेगुलर लैंग्वेजेस आपको पता है कैसी हैं भाई, अनकाउंटेबली इनफाइनाइट, है ना। सेट ऑफ ऑल रेगुलर लैंग्वेजेस, प्लीज ध्यान रखना, सेट ऑफ ऑल रेगुलर लैंग्वेजेस इज काउंटेबल इनफाइनाइट, तो इसका आपने एक सबसेट बनाया दैट इज फाइनाइट लैंग्वेज, आपको पता होगा ना, मैंने आपको समझा रखा है एवरी फाइनाइट लैंग्वेज इज रेगुलर एंड सो ऑन, ये सब चीजें मैंने बता रखी है, वन वे थ्योरम एंड सो ऑन। प्लीज मैं बार बार चीजों के डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ये सब आपको पता है। हाँ जी ठीक है जी। तो ये क्या जी, काउंटेबल इनफाइनाइट है, तो ऑब्वियसली जब हम फाइनाइट सेट, एक सेट ऑफ ऑल फाइनाइट लैंग्वेज का मैं जो सेट कहना चाहता हूँ तो दैट विल बी काउंटेबली फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट, है ना। मतलब काउंटेबल तो जरूर होगा ही होगा, ये आपको पता लग रहा है क्योंकि रेगुलर का सबसेट है और रेगुलर काउंटेबल इनफाइनाइट है, तो फिर वही बात है जब हम इसका कोई सबसेट उठा रहे हैं तो दैट विल बी ऑब्वियसली काउंटेबल फाइनाइट और काउंटेबल इनफाइनाइट, है ना। हाँ जी, तो बस अब काउंटेबल फाइनाइट पे हम नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि फाइनाइट लैंग्वेजेस ऑब्वियसली बात है इनफाइनाइट एग्जिस्ट करती होंगी, है ना। कोई पर्टिकुलर नंबर थोड़ी कि इतनी फाइनाइट लैंग्वेजेस होंगे, जितनी चाहो उतनी बना दो, उसमें क्या टेंशन है, कॉमन सेंस समझ में आ रहा होगा, दैट विल बी काउंटेबल इनफाइनाइट, ठीक है जी। तो ये 9 क्वेश्चंस बहुत ब्यूटीफुल थे, इनको अच्छे से नोट डाउन कर लो, फिर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ, ठीक है जी। कर लिया नोट डाउन, चलो मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ इन पे, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा आपने कर लिया होगा अपने हिसाब से नोट डाउन, चलिए मैं अब आगे बढ़ता हूँ। हाँ जी, तो अब देखो, अब मैं कुछ थियोरेटिकल पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखो भाई, मैंने आपको समझाया था, मैं अलग पेन ले लेता हूँ, मैंने आपको बताया था कि नॉन आरी लैंग्वेजेस सेट ऑफ ऑल नॉन आरी लैंग्वेजेस, सेट ऑफ ऑल नॉन आरी लैंग्वेजेस इज अनकाउंटेबली इनफाइनाइट एंड ईच नॉन आरी लैंग्वेज, ईच नॉन आरी लैंग्वेज इज काउंटेबली इनफाइनाइट। क्यों, क्योंकि जो भी आप एक पर्टिकुलर नॉन आरी लैंग्वेज को पकड़ोगे दैट विल बी ऑब्वियसली सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार ना, तो दैट विल बी ऑब्वियसली काउंटेबली इनफाइनाइट। इतना तो आपको पता है, मैं बहुत बार पहले बता चुका हूं, ठीक है जी। तो अब एक बात ये समझो, मैंने आपको बताया था लॉजिक, लॉजिक कैसा होता है भाई, डिस्क्रीट होता है, डिस्क्रीट इन द सेंस जीरो या वन दो ही पॉसिबिलिटी है, तो इट इज जस्ट लाइक अ फॉर्क, है ना। जीरो या वन, जीरो मतलब एब्सेंट, वन मतलब प्रेजेंट, आप ऐसे सोच सकते हो, जीरो और वन के बीच में और कुछ नहीं आता, ये आपको पता है, ठीक है। तो सफिशियंट गैप है बिटवीन जीरो एंड वन, बीच में इनके कुछ नहीं आ रहा, मतलब पॉइंट वन पॉइंट फाइव एंड सो, ऐसा कुछ नहीं है भाई, है ना। तो जीरो होगा या वन होगा, मतलब प्रेजेंट होगा या एब्सेंट होगा, ठीक है। और मैंने आपको बताया था और हमने ये भी देख लिया कि ईच नॉन आरी लैंग्वेज इज काउंटेबली इनफाइनाइट, ईच नॉन आरी लैंग्वेज काउंटेबली इनफाइनाइट है, तो ऐसे समझो ये हमारी टेबल है, तो हमने एक आरी लैंग्वेज पकड़ी तो वो काउंटेबली इनफाइनाइट है, तो ये देखो मैंने उसको एज ए एप्पल की तरह रख दिया, ठीक है। तो इट इज जस्ट लाइक एन एप्पल ऑन द टेबल, और ये हमारे पास फॉर्क, तो इस फॉर्क को मैं मारू यहाँ पे, है ना, और कोई ना कोई एप्पल पकड़ लू, इसका मतलब क्या होगा कि रिकॉग्नाइज तो होनी चाहिए लॉजिक से, लेकिन लॉजिक नॉन आरी लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता, इसका कारण क्या है, आप मुझे ये समझाओ। क्वेश्चन समझ में आया, नो डाउट सेट ऑफ ऑल नॉन आरी लैंग्वेजेस अनकाउंटेबली इनफाइनाइट, बट एक एक आरी लैंग्वेज तो काउंटेबली इनफाइनाइट है। अगर एक एक आरी लैंग्वेज काउंटेबली इनफाइनाइट है और लॉजिक हमारा डिस्क्रीट है, दैट इज जस्ट लाइक अ फॉर्क, और फॉर्क एप्पल को पिक कर सकता है, पानी को पिक नहीं कर सकता, ये सब चीज मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं। अगर आपने फॉर्क मारा तो वाटर को तो आप पिक नहीं कर सकते, वाटर की तरह क्या होता था, अनकाउंटेबल इनफाइनाइट, है ना। अनकाउंटेबल इनफाइनाइट जस्ट लाइक अ वाटर, जैसे रियल नंबर्स, है ना, फैले हुए इतने ज्यादा, जस्ट लाइक पानी, है ना, कंटिन्यूअस है। और डिस्क्रीट जैसे एप्पल्स, जैसे मैंने अब ऐसे मैंने आपको बोला कि हमारे पास एक टेबल है, टेबल पे हमने बहुत सारे एप्पल्स रख रखे हैं, इट इज जस्ट लाइक अ नॉन आरी लैंग्वेज का एक सेट हमने टेबल पे सजा दिया,
ठीक है। अब एप्पल में, अब मैं फोर्क मारूंगा तो एप्पल को पकड़ सकता हूँ ना, मतलब हम स्ट्रिंग्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, है ना। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी नॉन, एक एक पर्टिकुलर नॉन आरी लैंग्वेज है वो लॉजिक की हेल्प से रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पाती। कारण क्या? क्योंकि मैंने आपको बताया था लॉजिक की औकात सिर्फ रिकर्सिव इन्यूमरेबल तक है, इससे ऊपर वो बढ़ ही नहीं सकता, उसको समझ ही नहीं आता ऊपर। तो फिर ये क्या चक्कर है, है ना, मतलब व्हाई दिस फोर्क कैन नॉट पिक द एप्पल्स। ठीक है, ये सब चीजें प्लीज नोट डाउन मत करना, ये सब पॉइंट्स मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सब पॉइंट्स मैंने नोट डाउन करके रखे हुए हैं। ये देखो इस स्लाइड में मैंने सब लिखा हुआ है, तो मैं आपको टाइम दे दूंगा, आप आराम से इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अभी जो बोल रहा हूँ प्लीज आराम से सुनने की कोशिश करो। ठीक है जी, हाँ जी। तो अब क्वेश्चन समझ में आया, इस फॉर को मार के मैं एप्पल को पिक क्यों नहीं कर पा रहा। डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि लॉजिक की हेल्प से हम नॉन आरी लैंग्वेज को पकड़ क्यों नहीं पा रहे, क्योंकि एक एक नॉन आरी लैंग्वेज तो काउंटेबली इनफाइनाइट थी, और हर एक काउंटेबली इनफाइनाइट चीज लॉजिक के थ्रू हम पकड़ पाते हैं। तो फिर क्या चक्कर है, ये क्यों नहीं पकड़ पा रहा? प्रॉब्लम एक्चुअली यहाँ नहीं है कि ये मतलब अब क्यों नहीं पकड़ पा रहा, मतलब यू कैन से जो लॉजिक है ना, लॉजिक लैंग्वेज के अंदर जाकर के स्ट्रिंग को नहीं पकड़ता। मतलब जो रिकॉग्निशन होती है ना भाई, रिकॉग्निशन इज बिटवीन द लैंग्वेजेस एंड नॉट इनसाइड द लैंग्वेज। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्लियर नहीं करेगा, पूरा यूट्यूब चैनल लेना, कहीं पर पढ़ लेना, कहीं आपको ये पॉइंट्स नहीं बताए जाएंगे जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, बट ये इंटरव्यू में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, और ये पॉइंट बेसिक से हैं, शायद कहीं ना कहीं गेट एग्जाम में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इससे क्वेश्चन आप पुट हो जाए। प्लीज ध्यान रखना, क्योंकि कल को आपके मन में कंफ्यूजन आ सकता है कि क्वेश्चन आ जाएगा कि ईच नॉन आरी लैंग्वेज इज काउंटेबली इनफाइनाइट, हेंस गिवन अ पर्टिकुलर नॉन आरी लैंग्वेज लॉजिक कैन रिकॉग्नाइज इट। नो, ये बात बिल्कुल गलत है, नहीं कर सकता लॉजिक। इस बात को समझो आराम से, आपको लगेगा कि काउंटेबल इनफाइनाइट है तो मतलब ये एप्पल की तरह है, और लॉजिक फॉर्क की तरह होता है तो हम फॉर्क मारेंगे तो एप्पल को पकड़ लेंगे, मतलब हम स्ट्रिंग्स की पहचान कर लेंगे, बट नहीं कर सकते स्ट्रिंग्स की पहचान। नो डाउट ईच एंड एवरी नॉन आरी लैंग्वेज इज काउंटेबल इनफाइनाइट, बट स्टिल एक पर्टिकुलर नॉन आरी लैंग्वेज अगर मैं आपको दे दूं तो उसके अंदर घुस के लॉजिक नहीं बता सकता कौन सा स्ट्रिंग लैंग्वेज के अंदर है और कौन सा स्ट्रिंग लैंग्वेज के अंदर नहीं है, मतलब मेंबरशिप एल्गोरिदम नहीं है। इस बात को समझो आराम से, है ना। मेंबरशिप एल्गोरिदम मतलब कौन सा स्ट्रिंग प्रेजेंट है लैंग्वेज और कौन सा नहीं है, हम नहीं पता लगा सकते। और आपको ये लग रहा होगा कि हमने, क्योंकि एप्पल है तो फॉर्क मारेंगे तो एप्पल को पकड़ लेंगे तो मतलब हम स्ट्रिंग्स की पहचान कर पाएंगे, बट नहीं कर पा रहे हैं। फॉर्क मारा, स्ट्रिंग पकड़ा, मतलब समझ पा रहे हो ना भाई, जीरो या वन है ना, तो हम जैसे ही फॉर्क मारेंगे तो जीरो या वन एप्पल, हम मतलब एप्पल को पकड़ रहे हैं ना, कोशिश कर रहे हैं पकड़ने की बट नहीं पकड़ पा रहे। फॉर्क से एप्पल को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं बट अब नहीं पकड़ पाएंगे। इस बात को समझो, मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, मैं अपने आपको रोक रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा डीप में जाना का कोई फायदा नहीं है, टाइम भी बहुत वेस्ट होगा, वीडियो भी बहुत ज्यादा लंबा होगा। ठीक है, तो हम नहीं कर पा रहे। कारण इस बात को मैं ये समझा रहा हूं आपको, लॉजिक जो होता है ना भाई, लॉजिक एक्चुअली लैंग्वेज के अंदर स्ट्रिंग्स को नहीं पकड़ता, लॉजिक बिटवीन लैंग्वेजेस चलता है। मतलब लॉजिक स्ट्रिंग जो लैंग्वेज है उसके अंदर के स्ट्रिंग को नहीं पकड़ रहा, लॉजिक एक पैटर्न को पकड़ता है, उस पैटर्न के हिसाब से वो आपको आंसर करता है कि स्ट्रिंग लैंग्वेज के अंदर होगा या नहीं होगा। जैसे सपोज करो, मैं बिल्कुल बेसिक एग्जांपल लेता हूँ, ए पावर एन बी पावर एन सच दैट एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो आपने बोल दिया इक्वल एज एंड इक्वल, मतलब इक्वल नंबर ऑफ एज फॉलोड बाय इक्वल नंबर ऑफ बीज, तो ये पैटर्न हो गया। तो अब आपने कोई भी स्ट्रिंग लिखा लाइक दिस, तो लॉजिक क्या बोलेगा, अच्छा जी तीन और तीन भी, तो लो जी ये मेंबर है लैंग्वेज का। और अगर आपने बोल दिया ये, तब बोलोगे जी दो ए हैं और तीन बी हैं, तो ये इक्वल नहीं है, तो ये लैंग्वेज का मेंबर नहीं है, एंड सो ऑन। तो समझ पा रहे हो, लॉजिक एक एक स्ट्रिंग को नहीं पकड़ सकता, लॉजिक एक पैटर्न को पकड़ता है और उस पैटर्न के हिसाब से पता लगाता है कि स्ट्रिंग हमारा लैंग्वेज के अंदर होगा या नहीं होगा। इस बात को पकड़ में आई? तो इसका मतलब क्या हुआ कि लॉजिक की हेल्प से हम लोग इन बिटवीन लैंग्वेजेस चलते हैं, ठीक है, ना कि लैंग्वेज के अंदर घुस के काम करते हैं। बात समझ आई? तो लॉजिक कैन रिकॉग्नाइज द पैटर्न, मतलब जो रिकॉग्निशन होती है ना लैंग्वेज की, रिकॉग्निशन जो है दैट इज बिटवीन द लैंग्वेजेस, इट इज नॉट इनसाइड द लैंग्वेज। लैंग्वेज के अंदर घुस के हम काम नहीं कर सकते, इन बिटवीन लैंग्वेजेस चलते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, जो अनकाउंटेबली इनफाइनाइट लैंग्वेजेस का सेट है दैट इज अनकाउंटेबली इनफाइनाइट, और क्योंकि ये अनकाउंटेबली इनफाइनाइट है तो इट इज जस्ट लाइक अ वॉटर, इट इज जस्ट लाइक अ वॉटर। अब क्योंकि ये वाटर की तरह है तो लॉजिक से जैसे हमने फॉर्क मारा तो हम इस पानी को नहीं पकड़ पा रहे, मतलब एक एक लैंग्वेज को यहां से हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे, तो मतलब ये लैंग्वेजेस इतनी क्लोज हैं एक दूसरे से कि लॉजिक इन लैंग्वेजेस के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। बात समझ आई? तो पैटर्न बनते ही नहीं हमारे पास, कोई पैटर्न बने तभी तो मैं पकड़ूंगा ना,
तो पैटर्न हमारे पास बनते नहीं, क्यों? क्योंकि लैंग्वेज बहुत ज्यादा क्लोजली है एक दूसरे से, ठीक है। और ऑन द कॉन्ट्रेरी जो हमारे पास आरी लैंग्वेजेस का सेट था, सेट ऑफ ऑल आरी लैंग्वेजेस वॉज काउंटेबली इनफाइनाइट, तो इसका मतलब क्या होगा? सेट ऑफ ऑल आरी लैंग्वेजेस, ये मैं लिख देता हूं, सेट ऑफ ऑल आरी लैंग्वेजेस, ठीक है। तो लेट मी यूज डिफरेंट कलर, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको, ओके। ये देखो, हाँ जी, तो मैं बोलता हूं सेट ऑफ ऑल आरी लैंग्वेजेस, सेट ऑफ ऑल आरी लैंग्वेजेस इज काउंटेबली इनफाइनाइट। तो मतलब अब यहाँ पे ये चीज ऐसे में बोलूंगा कि हमने टेबल पे एप्पल सजा रखे हैं, तो ये जो एप्पल्स हैं ये सारे के सारे एप्पल्स क्या हैं? एक एक आरी लैंग्वेज है, एक एक आरी लैंग्वेज है, स्ट्रिंग नहीं है ये, एक एक आरी लैंग्वेज है। और जब मैं फोर्क मार के किसी एप्पल को पकड़ता हूं तो मतलब मैं एक पैटर्न बना लेता हूं किसी ने एक एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए। इस बात को समझ में आई? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सेट ऑफ ऑल आरी लैंग्वेजेस काउंटेबली इनफाइनाइट, मतलब मैंने ये जो भी ऑल आरी लैंग्वेज का सेट था, या यू कैन से हमने इनको एक टेबल पे एप्पल की तरह सजा दिया, फोर्क मार के मैं एप्पल को पकड़ता हूँ, मतलब फोर्क मारा मतलब लॉजिक लगाया और मैंने एक एप्पल को पकड़ा, मतलब मैंने एक पर्टिकुलर आरी लैंग्वेज के लिए एक पैटर्न बना लिया। ये बात समझ में आ रही है? इस तो फिर पैटर्न बन गया, तो फिर हम फटाफट से पता लगा लेंगे कौन सा लैंग्वेज के अंदर है और कौन सा नहीं है, एंड सो आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। और वही बात है, आरी बट नॉट आरी सी की कहानी करेंगे तो फिर वो सेमी डिसाइडेबल होंगे, मतलब कौन सा है ये तो पता लग जाएगा बट कौन सा नहीं है वो पता नहीं लगता, हम शायद अटक जाते थे लूप में, एंड सॉन वो सब आपको पता है, ट्यूरिंग मशीन मैंने आपको सब बता रखा है ना। तो यस के केस में ट्यूरिंग मशीन होल्ड करके आंसर कर भी जाती है, तो मतलब लॉजिक आपको आंसर कर देगा यस का, बट नो के केस में कई बार तो नो आंसर आ जाता है और कई बार हम लोग ट्यूरिंग मशीन लूप में अटक जाते थे, है ना, इनफाइनाइट लूप में अटक जाते थे, मतलब क्या ना का आंसर कई बार तो लॉजिक कर देगा और कई बार शायद नहीं भी कर पा रहा है ना, हैंग हो जाए, एंड सॉन आई थिंक आप समझ पा रहे होगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो ये मेन कहानी है, आपको अब आई थिंक क्लियर हो रही होगी मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज ये ध्यान रखना, रिकॉग्निशन इज इन बिटवीन द लैंग्वेजेस एंड नॉट इनसाइड द लैंग्वेज, इनसाइड द लैंग्वेज रिकॉग्निशन नहीं हो सकता, ठीक है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर मैं बोल दूं कि ये हमने एक आरी लैंग्वेज, एक नॉन आरी लैंग्वेज का सेट रखा जो कि अकाउंटेबली इनफाइनाइट था, है ना, तो हमने उसको एप्पल की तरह सजा दिया टेबल पे, फोर्क मारेंगे एप्पल पकड़ेंगे, एंड सो ये काम कर लेंगे, बट नहीं हो सकता ये काम, ठीक है, क्योंकि रिकॉग्निशन इज इन बिटवीन द लैंग्वेज एंड नॉट इनसाइड द लैंग्वेज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज नहीं तो कल आएगा, आपको कंफ्यूजन में डालेगा। क्वेश्चन कैसे बन के आएगा कि सिंस ईच नॉन आरी लैंग्वेज इज काउंटेबली इनफाइनाइट, सो लॉजिक कैन, सो गिवन अ नॉन आरी लैंग्वेज लॉजिक कैन रिकॉग्नाइज इट, नो लॉजिक कैन नॉट रिकॉग्नाइज इट, क्योंकि आपको लगेगा काउंटेबली इनफाइनाइट है तो हाँ शायद कर जाए, बट नहीं कर सकता क्योंकि मैटर थोड़ा सा डीप है। मैटर डीप क्या है? लॉजिक कभी भी इनसाइड लैंग्वेज नहीं चलता, वो बिटवीन द लैंग्वेज चलता है, ठीक है। तो मतलब जो रिकॉग्निशन होती है, जो भी हम लैंग्वेज की रिकॉग्निशन करते हैं, दैट इज इन बिटवीन द लैंग्वेज एंड नॉट इनसाइड द लैंग्वेज, ठीक है। आई थिंक समझ चुके हो, मैंने बहुत बार रिपीट कर दिया, आपको क्रिस्टल क्लियर होगा होगा मैं यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी, ओके जी। तो प्लीज ध्यान रखना भाई, है ना, इस इन सब बातों का, ये बेसिक बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए। मैं छोटा कर देता हूँ, आप इन सब चीजों को नोट डाउन कर लो एक बार फटाफट से, ठीक है जी, ओके जी, ठीक है। तो आई थिंक मैंने काफी टाइम लगाया और चीजें आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर करी हैं। चलो अब मैं आता हूँ अपने पॉइंट्स जो मैंने अभी आपको बोले हैं, वो सब जो लिखे हुए हैं वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, ठीक है। हाँ जी, देखो भी मैंने यहाँ से शुरुआत करी थी, सेट ऑफ ऑल नॉन आरी लैंग्वेजेस इज अनकाउंटेबली इनफाइनाइट बट ईच नॉन आरी लैंग्वेजेस countably infinite. So power of logic and Turing machine is same. That is whatever logic can be done by Turing machine. ये किसने बोला भाई? चार्ल्स ट्यूरिंग फिजिसिस्ट ने बोला, ये आपको पता है। पावर ऑफ लॉजिक एंड ट्यूरिंग मशीन इज सेम, तो चार्ल्स ट्यूरिंग थीसिस ने ये बात कह रखी है आपको, ठीक है जी। अच्छा आगे देखो, लॉजिक इज डिस्क्रीट दैट इज जस्ट लाइक अ फॉर्क, 01 मैंने अभी आपको बना करके दिखाया था, एंड ईच नॉन आरी लैंग्वेज इज ऑल्सो डिस्क्रीट, और हर एक नॉन आरी लैंग्वेज भी तो डिस्क्रीट है, दैट इज लाइक एप्पल, सो वाई फॉर कांट पिक दिस एप्पल्स, ये फॉर एप्पल्स को नहीं पिक कर पा रहा क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया रिकॉग्निशन इज between the languages and not inside the language. तो यही देखो मैंने आगे point लिखा है, logic can't recognize language, it recognize the pattern, वो pattern को recognize करता है, language को recognize नहीं करता, ठीक है, that is each language has a pattern and each pattern is different. हर एक language के corresponding एक pattern होता है, जैसे मैंने बोला था equal is equal is and so on, और हर एक pattern different है ना, तो logic की help से हम इन patterns को पकड़ रहे हैं, है ना, and logic simply recognize it. हाँ, तो अब हमने फिर आगे ये point भी लिख दिया, so recognition is between the languages and not inside the language. Recognition हमेशा between the languages होता है, inside language नहीं होता, ठीक है। तो जो fork मार के हम apple पकड़ते हैं तो हमें पूरी पूरी language पकड़ते हैं, वहां से string नहीं पकड़ते,
आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? तो आपको क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। अच्छा जी, तो अब देखो बस एक लास्ट पॉइंट हो रहा है, बस एक लास्ट पॉइंट और मैं बताता हूँ, फिर हम अपना लेक्चर कंक्लूड करेंगे। देखो आपको याद आ रहा होगा जब मैंने मैथमेटिक्स की बात करी थी, तो मैंने आपको समझाया था नेचुरल नंबर का सेट है ना, उसके बाद फिर होल नंबर का सेट, उसके बाद फिर इंटीजर्स का सेट है ना, उसके बाद फिर रैशनल नंबर्स का सेट, फिर इरेशनल से आगे है ना। तो ये रियल नंबर क्या था, फिर रेशनल और इरेशनल को मिला करके, तो ये एंटायर सेट इज रियल नंबर्स का सेट, रियल नंबर में ये सभी आ रहे हैं है ना। तो इस वाले पार्ट की अगर मैं बात करूं, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, दिस पार्ट इज इरेशनल है ना। हाँ जी, और उसके ऊपर है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स है ना। हाँ जी, तो मैंने क्या बताया था आपको कि टिल योर, मैं लेट मी यूज डिफरेंट कलर, हाँ जी, टिल रैशनल ऑल दीज आर काउंटेबली इनफाइनाइट है ना, ऑल दीज आर काउंटेबली इनफाइनाइट, मतलब जस्ट लाइक एप्पल्स, दीज आर जस्ट लाइक एप्पल्स। बियॉन्ड रैशनल मतलब इरेशनल, और यू कैन से कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड सो ऑन, दीज आर जस्ट लाइक वाटर, मतलब काउंटेबली, सॉरी अनकाउंटेबली इनफाइनाइट है ना। तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स की कहानी करोगे तो वो क्या होगा भाई, ऑब्वियसली अनकाउंटेबली इनफाइनाइट होगा। क्यों? क्योंकि रियल नंबर इज नथिंग बट रैशनल प्लस इरेशनल नंबर्स को, रैशनल यूनियन इरेशनल इज रियल नंबर्स, और इरेशनल नंबर्स अनकाउंटेबली इनफाइनाइट है ना। और ये जो रैशनल जिसको हम क्यू से रिप्रेजेंट कराते थे, दैट इज काउंटेबल इनफाइनाइट। तो काउंटेबल इनफाइनाइट यूनियन अनकाउंटेबल इनफाइनाइट, दैट विल बी ऑब्वियसली इक्वल टू अनकाउंटेबली इनफाइनाइट, ठीक है? आई थिंक आपको याद आ रहा होगा, मैंने सब बता रखा है आप लोगों को है ना। तो ठीक है जी, ये सब चीजें आपको पता है, ओके जी है ना। तो अब देखो ये चीज हमने मैथमेटिक्स में पढ़ी है ना। अच्छा, और टीओसी में हमने कैसे पढ़ा? टीओसी में भी हमने लगभग इसी इसी तरीके से चीजें पढ़ी है ना। तो मैं एक बार फिर छोटा कर दूंगा, पहले बना लेता हूँ है ना। तो हमने पढ़ा कि फाइनाइट सेट, फिर फाइनाइट सेट से बड़ा रेगुलर का सेट, रेगुलर से बड़ा डीसीएफएल है ना, डीसीएफएल से बड़ा सीएफएल का सेट, सीएफएल से बड़ा सीएसएल, सीएसएल से बड़ा आरईसी, फिर आरईसी से बड़ा आरई, और उससे ऊपर फिर जब हम जाते हैं वो हो जाता है जी यू कैन से नॉन आरई, और नॉन आरई जस्ट लाइक वाटर, ठीक है? तो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं भाई, हम लोग दिखेगा नहीं आपको ढंग से, हाँ आप थोड़ा सा दिखेगा है ना। हाँ जी, तो इट इज जस्ट लाइक वाटर, ठीक है? तो इट इज जस्ट लाइक वाटर, नॉन आरई, नॉन आरई सेट इज जस्ट लाइक वाटर, तो देख पा रहे हो ना। तो एक ए, मतलब कुछ सेट्स है हमारे पास, मतलब टिल आरई ऑल दीज आर काउंटेबली इनफाइनाइट, लेट मी यूज डिफरेंट कलर, ठीक है? तो टिल आरई दीज आर जस्ट लाइक एप्पल्स, ठीक है? टिल आरई, आरई तक ऐसा है, उसके बाद फिर वाटर की तरह है, मतलब अनकाउंटेबल इनफाइनाइट है, दैट इज नॉन आरई। नंबर सिस्टम में भी ये कहानी है ना। तो ये कोई एक्सीडेंट नहीं है एक्चुअली, और नंबर सिस्टम में भी ये हमने देखा ना भाई है ना। तो टिल रैशनल ऑल आर काउंटेबली इनफाइनाइट, उसके बाद सारे सारे अनकाउंटेबली इनफाइनाइट, ऐसे ही टिल आरई काउंटेबली इनफाइनाइट, उसके आगे सारे सारे अनकाउंटेबली इनफाइनाइट है ना। हाँ जी, तो ये सब जो है ये कोई एक्सीडेंट नहीं है एक्चुअली, ये सब चीजें गोडल ने पहचानी थी, जिसको हम लोग बोलते हैं गोडल्स इनकम्प्लीटनेस थ्योरम, गोडल्स इनकम्प्लीटनेस थ्योरम। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ पार्ट मतलब डिसाइडेबल है, बाकी फिर आगे आगे अनडिसाइडेबल हो जाता है ना। मतलब कुछ पार्ट काउंटेबल इनफाइनाइट का होता है, उसके आगे फिर अनकाउंटेबल इनफाइनाइट हो जाता है ना। तो ऐसे हमने देखा है, कोई सिस्टम हमने पकड़ा, जैसे हमने नंबर थ्योरी पकड़ा है ना, तो एक सिस्टम है मैथमेटिक्स, हमने सिंपल पकड़ी, सिस्टम था ये, और इसमें हमने देखा कि कुछ पार्ट तो काउंटेबल इनफाइनाइट था, उसके आगे सारा अनकाउंटेबल इनफाइनाइट था। ऐसे टीओसी एक सिस्टम है, टीओसी में हमने कुछ पार्ट देखा काउंटेबल इनफाइनाइट है, उसके आगे सारा सारा अनकाउंटेबल इनफाइनाइट, मतलब अनडिसाइडेबल है। यहाँ पे भी वही बात हुई, कुछ डिसाइडेबल कुछ अनडिसाइडेबल एंड सो ऑन। तो ये सब क्या है भाई है ना। तो ये सब चीजें गोडल ने पहचाने थे, जिसको नाम रखा गया गोडल इनकम्प्लीटनेस थ्योरम। गोडल ने क्या कहा था, देखो शुरुआत कैसे, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ है ना, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, इतना कुछ हमारे गेट के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। गोडल ने कहा मतलब शुरुआत कैसे हुई थी इन सब चीजों की, गोडल ने बोला कि एक सेंटेंस उसके दिमाग में बार बार खटक रहा था, उसके दिमाग में आ रहा था कि आई एम लाइंग, ठीक है, आई एम लाइंग, ये एक सेंटेंस है, ठीक है। हाँ जी, तो ये क्या है भाई, ये ट्रू है या फॉल्स है, इसकी ट्रूथ वैल्यू बताओ। लॉजिक मैं घुस रहा हूँ, जो मैंने लॉजिक आपको पढ़ा रखा है, डिस्क्रिप्शन में हमने इसकी प्लेलिस्ट देखो, उसमें मैंने जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ा था दैट वाज लॉजिक, उसमें मैंने थोड़ा थोड़ा बात किया भी था आपके साथ इन सब चीजों की, बट सिर्फ फटाफट से एक बार मैं आपके साथ और डिस्कस कर लेता। तो शुरुआत बता रहा हूँ आपको है ना, गोडल ने कैसे शुरुआत करी एंड सम, वो सब मैं आपको बता रहा हूँ है ना। हाँ जी, तो ये DAL आई थिंक सो, प्लीज स्पेलिंग वगैरह देख लेना आप लोग, मेरे को याद नहीं रहती। हाँ जी, तो गोडल ने बोला कि एक सेंटेंस है आई एम लाइंग, उसने कहा कि इसकी क्या वैल्यू है भाई, ट्रू है या फॉल्स है। तो आपको लगता है कि अगर आपको लगता है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो मतलब आप आई एम लाइंग मतलब क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है
मतलब आपने अभी अभी सच बोला है, आपने अभी भी सच बोला तो मतलब यू आर नॉट लाइंग, है ना, आप तो सच बोल रहे हो। और आपने अभी क्या बोला कि आई एम लाइंग, तो इसका मतलब जो अगर आप बोलते हो कि स्टेटमेंट ट्रू है तो एक्चुअली ये ट्रू नहीं है, दिस स्टेटमेंट शुड बी फॉल्स। बात समझाए, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं मान सकते आप लोग। अगर आपने इसको ट्रू माना, दोबारा से मैं बोलता हूँ, अगर आपने इस स्टेटमेंट को ट्रू माना तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने अभी सच बोला है, आपने अभी सच बोला है तो इसका मतलब यू आर नॉट लाइंग। तो इसका मतलब क्या निकला कि आई एम नॉट लाइंग, मैं तो झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन आपने तो बोला कि मैं तो झूठ बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो कॉन्ट्राडिक्शन। तो मतलब हम क्या बोलेंगे, नहीं, ये जो स्टेटमेंट है इसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स होनी चाहिए। ठीक है, तो अच्छा जी, तो फिर आपको लगता है कि ठीक है जी हम फॉल्स मान लेते हैं इसकी ट्रूथ वैल्यू। अच्छा, लेकिन अगर आपने इसकी इस स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स बोल दी, मतलब आपको लगता है कि स्टेटमेंट फॉल्स है, अगर आपको लगता है कि स्टेटमेंट फॉल्स है तो मतलब आप झूठ बोल रहे हो। अगर आप झूठ बोल रहे हो और आपने बोला भी है ये कि आई एम लाइंग, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये स्टेटमेंट तो एक किस्म से ट्रू होनी चाहिए। तो जब आप फॉल्स मानते हो तो नहीं, आपको लगता है कि नहीं ये स्टेटमेंट तो एकदम ट्रू है। क्यों? क्योंकि आप ये कह रहे हो कि आई एम लाइंग, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, मीन्स व्हाट, मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये बात झूठ है, ये झूठ है, तो आपने तो झूठ ही बोला है, तो आप तो यही कह रहे हो कि आप झूठ बोलते हो, तो इसका मतलब स्टेटमेंट तो ट्रू हुई। थोड़ा सा सोचोगे तो समझ में आएगा, प्लीज एक बार और लास्ट में रिपीट कर रहा हूँ, आई एम लाइंग, ये पैराडॉक्स एक्चुअली, इसको हम बोलते हैं लायर पैराडॉक्स, लायर पैराडॉक्स, लायर पैराडॉक्स का एक एग्जाम्पल है ये, आई एम लाइंग। ठीक है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लायर पैराडॉक्स। और ये सारी शुरुआत यहीं से थी, गॉडल के दिमाग में ये घूम रहा था बार बार ही, और इस स्टेटमेंट को, मतलब ये जो ये पैराडॉक्स उसको नजर आ रहे थे, उसको ये मैथमेटिकली प्रूव करना चाहता था, या मैथमेटिकली इक्वेशन बनाना चाहता था, इन सब चीजों की फॉर्मली सब चीजें देखना दिखाना चाहता था। और फिर फाइनली जब इसने फॉर्मली सब कुछ किया तो फिर वो बनी गॉडल इनकम्प्लीटनेस थ्योरम। और जब गॉडल आया ना तो पूरी साइंस को हिला दिया था इसने, उसकी साइंस की पूरी नींव ही हिला दी थी। ठीक है, क्योंकि इसने बड़ी ब्यूटीफुल स्टेटमेंट दी थी, मैं अभी आपके सामने 2 मिनट में बोलूंगा, सिर्फ इंटरेस्ट है आपका इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, इतना गेट के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए था बस, मैंने फिर भी आपको कुछ कुछ बता रहा हूँ, समझ पा रहे हो ना भाई, लायर पैराडॉक्स क्या भाई, आई एम लाइंग, तो आपको लगता है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, अगर आपको लगता है कि स्टेटमेंट ट्रू है आई एम लाइंग, तो मतलब आपने अभी सच बोला है, आपने सच बोला तो इसका मतलब आप तो लाइंग नहीं कर रहे, आप तो मतलब यू आर नॉट लाइंग, आपने बोला कि आई एम लाइंग, और अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो आपने आई एम लाइंग मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ, अगर आप बोलते हो कि आप झूठ बोल रहे हो और ये बात सच है, तो इसका मतलब आपने तो अभी सच बोला, आपने झूठ थोड़ी बोला है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप बोल रहे हो कि आई एम नॉट लाइंग, सच पर आई एम लाइंग, और स्टेटमेंट ट्रू है तो मतलब आपने सच बोला है, आपने सच बोला तो मतलब यू आर नॉट लाइंग, मतलब आई एम नॉट लाइंग होना चाहिए था, और आपने बोला कि आई एम लाइंग तो मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स होनी चाहिए थी। और जब आप इस स्टेटमेंट को फॉल्स मानते हो तो फॉल्स मानने का मतलब क्या हुआ कि आप झूठ बोल रहे हो, और आपने ये बात झूठ है, ये बात झूठ है कि आप झूठ बोल रहे हो, हाँ जी बात बिल्कुल झूठ है ना, मतलब यू कैन से कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, बिल्कुल फॉल्स है ना, मतलब वही बात है। अब मैं जितना एक्चुअली डीप में जाऊंगा ना तो आप शायद कंफ्यूज हो सकते हो, है ना, तो आई एम लाइंग इफ दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स दैट मीन्स व्हाट, बात बिल्कुल ठीक है, बात बिल्कुल ठीक है, मतलब इसकी जो आपने जो बात बोली है ये ट्रू होनी चाहिए थी, आई एम लाइंग, आप झूठ ही बोल रहे हो, मतलब इसका एक एक लाइन एक एक वर्ड एकदम इसका ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू ट्रू होनी चाहिए थी। तो अब ट्रू होती है तो फिर वो फॉल्स में, तो फॉल्स में तो ट्रू होती है, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, आप इनफिनिट लूप में फंस जाओगे, आप इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं कर पाओगे कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, इतनी बात समझा रहे ना। ठीक है जी, तो यहीं से फिर इसी चीज से गोडल ने थोड़ा थोड़ा सा सोचा और मैथमेटिकली या फॉर्मली सब चीजों को प्रूव करने की कोशिश करी, और फिर थ्योरम आई गोडल इनकम्प्लीटनेस थ्योरम, जिसने पूरी की पूरी साइंस को हिला दिया। ठीक है, तो फिर इसने एक स्टेटमेंट बोली कि ऑल एक्सियोमेटिक सिस्टम्स, ठीक है, इसने बोला, थ्योरम क्या कहती है, ऑल एक्सियोमेटिक सिस्टम्स आर इनकम्प्लीट, ये मैंने स्टेटमेंट लिख दिया इसके, तो ये आ सकती है कि गॉडल इनकम्प्लीटनेस थ्योरम क्या है भाई, एक्चुअली इसने 2 थ्योरम दी थी पर इतना हमारे को घुसने की जरूरत नहीं है, ये स्टेटमेंट आ सकती है, तो इसलिए मैंने लिख के दिखा दी, ये काफी बुक्स में आपको नजर आएगी स्टेटमेंट। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है भाई, ऑल एक्सियोमेटिक सिस्टम्स आर इनकम्प्लीट, कोई भी एक्सियोमेटिक सिस्टम उठाओ दैट इज इनकम्प्लीट, एक्सियोमेटिक सिस्टम मतलब जिसमें कुछ कुछ एक्सियोम्स होती हैं, एक्सियोम्स मतलब कुछ ना कुछ एजम्पशंस होती हैं, कुछ कुछ assumptions है हमारे पास, कैसी assumptions हैं, जैसे suppose कर लो TOC जो हम लोग पढ़ रहे हैं that is axiomatic system, why it is axiomatic system, क्योंकि इसमें कुछ कुछ assumptions हैं, क्या assumptions हैं या इसमें क्या axioms हैं, axioms हैं भाई मशीन या तो स्ट्रिंग हमारा एक्सेप्ट कराएगी या फिर स्ट्रिंग हमारा रिजेक्ट होगा, दो ही पॉसिबिलिटी एक्सेप्ट या रिजेक्ट, एक्सट्रीम केसेस हैं, ऐसे नहीं हो सकता कि एक्सेप्ट या रिजेक्ट दोनों करा दे, दिस इज ऑब्वियसली इलॉजिकल, बकवास ही बात है एकदम, आपको लग रहा होगा, है ना, तो ये हमारी एक्सियम है, ये एक हमारी सपोजिशन है।
ठीक है। तो एक्ज्यूम मतलब कुछ ना कुछ हमने एज्यूम कर रखा है, ठीक है जी। तो ये एक इनकम्प्लीट सिस्टम है, ठीक है। तो इनकम्प्लीट इन द सेंस इसके अंदर जो एक्ज्यूम्स हैं हम उनको प्रूव नहीं कर सकते, हमारे को पता है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है लेकिन हम इन स्टेटमेंट्स को प्रूव नहीं कर सकते इस सिस्टम के अंदर रह करके। मतलब आपको प्रूव करना है तो इस सिस्टम से बाहर जाना पड़ेगा, और बाहर निकल के फिर आप क्या करोगे, कुछ ना कुछ और एक्ज्यूम्स बनाओगे। मतलब अगर इन स्टेटमेंट्स को प्रूव करना है, मतलब कुछ एक्ज्यूम्स है हमारे पास, उन एक्ज्यूम्स को आप प्रूव करना चाहते हो, तो उनको प्रूव करने के चक्कर में आपको कोई और एक्ज्यूम्स बनानी पड़ जाएंगी, फिर उन एक्ज्यूम्स को प्रूव करने के लिए जाओगे तो फिर कोई और एक्ज्यूम्स बनानी पड़ जाएंगी, एंड सो ऑन। समझ पा रहे हो, मतलब ये स्टेटमेंट को आपको प्रूव करना है तो इसके लिए आपको कुछ और सपोज करना पड़ेगा। फिर आपने फिर इसको तो प्रूव कर गए, तो फिर इसको कैसे प्रूव करोगे जो आपने सपोज किया था, तो इसके लिए फिर कोई और एग्जाम्स बनाने पड़ जाएंगे, मतलब इसके लिए कुछ और एसम्प्शन माननी पड़ जाएंगी, एंड सो ऑन। तो ऐसे आप लूप में फंस जाओगे इनफाइनाइटली। समझ पा रहे हो? तो डायरेक्टली डायरेक्टली मैं ये कहना चाहता हूं कि सिस्टम में रह करके आप उन उस सिस्टम की चीजों को प्रूव नहीं कर सकते, मतलब उस सिस्टम के अंदर की एग्जाम्स को प्रूव नहीं कर सकते, ठीक है। दो थ्योरम से मैंने दोनों को मिक्स करके आपको बता दिया, इतना हमारे को डिटेल में जाने की जरूरत नहीं थी, बट सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको ऐड दे रहा हूँ। बहुत ज्यादा अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हो, गोडल इनकम्प्लीटनेस थ्योरम एक फिलोसॉफिकल टॉपिक है ना, बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे इस पे, ओके। तो बहुत ब्यूटीफुल थ्योरम है ना, क्योंकि इसने पूरी साइंस हिला दी थी, है ना। अच्छा, उसके बाद आप देखो जैसे ज्योमेट्री की बात करो, ठीक है, ज्योमेट्री की बात करो, थोड़ा और समझ में आएगा आपको। ज्योमेट्री भी एक्सियोमेटिक सिस्टम है ना। क्यों ज्योमेट्रिक एक्सियोमेटिक सिस्टम है? क्योंकि इसमें हमने एक्सियोम्स है, एग्जाम्स क्या कुछ कुछ हमारी एग्जाम्शन है कि दो एक्सिस लेनी है तो मतलब टू कोऑर्डिनेट सिस्टम, तीन एक्सिस लेनी है तो तीन ही क्यों लेनी है, एंड सो ऑन, है ना। फिर आप बोलते हो कि पैरेलल लाइंस मीट एट इनफिनिटी, तो वही बात है, ये एग्जाम्शन है। आप इनफिनिटी पे जाके देखो ना, अभी मीट करिए नहीं करते, इनफिनिटी तक जाओगे कैसे, दैट इज इम्पॉसिबल। तो मतलब सिस्टम से बाहर दिख लो और जाओ इन्फिनिटी तक और देख क्या कि वहां पे जाके वो लाइन्स मीट कर रही है नहीं कर रही है, दैट इज ऑब्वियसली इम्पॉसिबल टास्क, ठीक है। तो वही बात है, फिर हम इन चीजों को प्रूव नहीं कर पाए, तो हमारे को पता है वो है, मतलब वो स्टेटमेंट ट्रू है, बट उस चीज को प्रूव नहीं कर पा रहे हम, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको। तो ज्योमेट्रिक एक्सियोमेटिक सिस्टम, एक्सियोम्स क्या है, पैरेलल लाइंस मीट एट इनफिनिटी, पैरेलल लाइंस मीट एट इनफिनिटी, ओके। और आपने बोला कि थ्री एक्सिस होंगी, जैसे थ्री कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एंड सो ऑन, तो ये सब चीजें एसम्पशंस है। ऐसी प्रोबेबिलिटी, तो जो भी हम सिस्टम पढ़ रहे हैं ना, जो भी मैथमेटिकल सिस्टम हम देख रहे हैं, सब इनकम्प्लीट है, ठीक है। मतलब वो किसी न किसी एक्सियोम्स पे टिके हुए हैं और उन एक्सियोम्स को हम लोग प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये गोडल ने बताया था, तो तभी इसने बोला फिर अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम्स भी आएंगी, ठीक है। तो तभी इसने बोला कि हमारे पास कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि हमारे को पता है कि वो ट्रू है लेकिन फिर भी हम उनको प्रूव नहीं कर सकते लॉजिक की हेल्प से कि वो ट्रू है, ठीक है। तो इसलिए इसने बताया, तो एंड में फिर फाइनली गोडल ने बोला कि लॉजिक इज इनकम्प्लीट। तो इससे पहले सभी लोगों को लगता था कि लॉजिक इज कम्प्लीट, लॉजिक से हम कुछ भी कर सकते हैं, जो चाहे हम वो कर सकते हैं, मतलब ट्रू स्टेटमेंट को ट्रू प्रूव कर सकते हैं, फॉल्स स्टेटमेंट को फॉल्स प्रूव कर सकते हैं। लॉजिक का काम क्या है, स्टेप बाय स्टेप क्या करता है, चीजों को प्रूव करने के काम आता है। लॉजिक का काम क्या है, कोई स्टेटमेंट है उसको आपको ट्रू प्रूव करना है, लॉजिक की हेल्प से प्रूव करेगा, लॉजिक इज ए टूल, इस टूल की हेल्प से हम लोग चीजों को ट्रू या फॉल्स प्रूव कर सकते हैं। तो लोगों को लगता था कि कोई भी स्टेटमेंट अगर आपको पता है कि वो ट्रू है तो आप लॉजिक की हेल्प से प्रूव कर जाओगे कि वो ट्रू है, लेकिन ऐसा नहीं था, गोडल ने ये सब चीजें प्रूव करी थी। तो गोडल ने भी बताया कि लॉजिक इज ऑल्सो इनकम्प्लीट, ठीक है, क्योंकि ये जो ये सेंटेंस मैंने लिखा है इसका आंसर नहीं आ रहा लॉजिक की हेल्प से, ये ट्रू है या फॉल्स है, आई एम लाइंग, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा सब लोगों को मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो गोडल ने यही बात बोली थी कि एक सिस्टम जो भी आप बनाते हो ना, जो एक्सियोमेटिक सिस्टम होता है, दैट इज इनकम्प्लीट, और इसके अंदर कुछ कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं या कुछ कुछ चीजें होती हैं जिनको हम लोग प्रूव नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, तो प्रोबेबिलिटी की मैं कहानी कर रहा था, तो दैट इज ऑल्सो एक्सियोमेटिक सिस्टम, प्रोबेबिलिटी इज ऑल्सो एक्सियोमेटिक सिस्टम। व्हाई प्रोबेबिलिटी इज एक्सियोमेटिक सिस्टम, क्योंकि इसमें भी एक्सियोम्स है। क्या एक्सियोम है भाई, क्या एक्सियोम है, कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। क्या प्रूफ है इस बात का कि प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, प्रोबेबिलिटी लाई बिटवीन, रफली मैंने लिख दिया, ठीक है। तो या थोड़ा लिख दूं अच्छे से, प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1, क्या प्रूफ है भाई, एजम्पशन है ये हमारी और क्या, ठीक है। तो ऑब्वियसली ऑल दी सिस्टम्स आर इनकम्प्लीट सिस्टम्स, ठीक है। तो इसने पूरी मैथमेटिक्स को हिला दिया था भाई गोडल ने, ठीक है। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर इंटरेस्ट मैंने ये चीजें बताई हैं, इतना रिक्वायर्ड नहीं है, ज्यादा से ज्यादा आ सकता है तो ये स्टेटमेंट आ सकती है कि क्या क्या है गोडल इनकम्प्लीटनेस थ्योरम, तो ऑल एक्सियोमेटिक सिस्टम्स आर इनकम्प्लीट, ठीक है, या इन ईच एंड एवरी सिस्टम वी हैव सम स्टेटमेंट्स व्हिच कैन नॉट बी प्रूव्ड, ये पूछा जा सकता है,
आई थिंक समझ में आ गया होगा, मेन क्रक्स पकड़ो भाई, उसके बाद तो अब जैसे भी क्वेश्चन आएगा गोडल इनकम्प्लीटनेस कंप्लीटनेस थ्योरम पे आप कर जाओगे। अभी तक वैसे आया नहीं है कभी गेट के प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखना, अभी इस पे क्वेश्चन आया नहीं है, बट स्टिल थोड़ा थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दे दिया, ये ना लगे कि कुछ पार्ट स्किप हो गया। ठीक है जी, चलिए ठीक है जी, ओके थैंक यू सो मच, इतना ही रखते हैं इस लेक्चर में, तो बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर देंगे आपका। ठीक है जी, तो नोट डाउन कर लेना, है ना? ठीक है जी, तो ठीक है, तो ये पार्ट जो था ये कर लेना नोट डाउन, और ये इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, आप इन सब चीजों को भी नोट डाउन कर लेना। ठीक है जी, ओके जी, ठीक है, ये सब देख लेना, ये सब चीजें मैंने ऊपर वाली बातें नहीं बताई क्योंकि ये सब चीजें मैं ऑलरेडी आपको बहुत बार बता चुका हूँ, है ना? तो ये प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने सब डिस्कस किया था, तो आज के लेक्चर में मैंने पॉइंट्स यहाँ से स्टार्ट किए हैं, है ना? यहाँ से मैंने आज के लेक्चर के पॉइंट स्टार्ट करे हैं, ये सब चीजें मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूँ एंड सॉन्ग। ठीक है जी, नोट डाउन कर लेना फिर भी अगर आपको लग रहा है तो। चलिए ठीक है, ओके थैंक यू सो मच, बाय बाय।